भारत के कई भागों में पीढ़ियों से गरीबी जीवन का हिस्सा बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में इस निराशा में आशा की एक किरण दिखाई दी है और इस परिवर्तन का मूल कारण वे महिलाएं हैं जो आगे बढ़कर भविष्य को एक नया आयाम दे रही है। बाहर निकालो मर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अच्छा लगा। विश्व की जनसंख्या का छठवां भाग यानी कि 100 करोड़ से भी अधिक लोग भारत में रहते हैं और 40 वर्षों के अंदर यह संख्या दुगुनी होने की संभावना है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और गरीबी की समस्याएं बहुत प्रबल हैं। शहरों और दक्षिणी राज्यों में इन मुद्दों का हल ढूंढने में सामाजिक कार्यक्रम काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, किंतु अन्य प्रदेशों में विशेषकर उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में भयानक गरीबी के साथ इन समस्याओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे उत्पीड़न का शिकार अधिकांशतः लड़कियां और महिलाएं होती हैं। स्त्री और पुरुषों में भेदभाव की पराकाष्ठा के परिणाम अत्यंत दारुण होते हैं। जन्म के पूर्व लिंग के आधार पर बच्चे के जीवन का चुनाव करना गैर कानूनी है, पर फिर भी भ्रूण हत्या समाज में व्याप्त है। पुत्र जन्म की आस लिए गरीब परिवार चुपचाप अजन्मी कन्याओं से छुटकारा पा लेते हैं। रसोई की संदिग्ध आग में नई नवेली बहुए होम हो जाती है, क्योंकि विवाह में उनके द्वारा लाई संपत्ति और जमीन अपेक्षा से कम होती है। नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टि का साक्ष्य तरह तरह की हिंसात्मक घटनाओं में दृष्टिगोचर होता है, किंतु आज भी महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे बड़ा जरिया उनका अपोषण और अपूर्ति है। विशेषकर गांव में लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा कम भोजन और स्वास्थ्य सेवा सुलभ कराई जाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय संस्थाएं भारत सरकार के सहयोग से देश का भविष्य उज्जवल बनाने में कार्यरत है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत खेती के नए तरीके सुझाने से लेकर लघु उद्योगों के लिए कर्ज देने तक की व्यवस्था है। कुछ कार्यक्रम केवल महिलाओं की जरूरतों पर केंद्रित है। हम ऐसी ही एक संस्था जननी के प्रभाव का अवलोकन करेंगे जो बिहार में 1996 में आरंभ हुई थी। भारतीय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से आर्थिक सहायता प्राप्त जननी परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करती है। ग्रामीण दंपतियों को परिवार नियोजन के महत्व तथा उसके तरीकों से अवगत कराना इनके लक्ष्यों में शामिल है। उनका तितली चिन्ह एक सकारात्मक बदलाव की ओर इंगित करता है। हम 3 ग्रामीण महिलाओं से मिलेंगे जिन्हें जननी ने महिला स्वास्थ्य कर्मी बनने का प्रशिक्षण दिया है, सरिता, रेखा और दमयंती। इन सभी महिलाओं का पालन पोषण परंपरागत तरीके से हुआ और ये अपने घरों के दायरों में जी रही थी। जननी के लिए काम करना इनके लिए एक दुस्साहसी शुरुआत थी। ये महिलाएं अपने आप में दूसरी महिलाओं के लिए एक आदर्श है। सरिता और उसका पति पवन एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े जहां औरतों से आशा की जाती है कि वे पुरुषों की सेवा करें। घर और क्लिनिक में साथ साथ काम करके वे इस प्रचलित धारणा को चुनौती दे रहे हैं। दमयंती चाहती है कि उसकी बेटी किरण को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। गांव में अधिकतर लड़कियों का विवाह 13 से 19 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। दमयंती को आशा है कि किरण स्कूली पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाए। सासे ये मांग करती है कि उनकी बहुएं घर में रहें, पर राजकुमारी अपनी बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि वह रेखा को बाहर निकलकर मोहल्ले के लोगों से, पड़ोसियों से बातचीत करने और परिवार नियोजन की जानकारी देने के लिए उत्साहित करती है।
अधिकांश ग्रामीण महिलाएं सेक्स संबंधी विषयों के बारे में बात करते हुए सकुचाती हैं। खुद महिला कर्मियों को इस तरह की बात करने तैयार होना पड़ता है ताकि वे इन विषयों के बारे में बेझिझक सलाह दे सके। इस प्रशिक्षण की शुरुआत जननी के कार्यकर्ताओं से होती है। जया इस प्रशिक्षण की अध्यक्षा है। जब मैं पहली बार जननी में आई, जब मैंने लोगों को कॉन्डम और गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करते सुना तो मुझे थोड़ी झिझक हुई, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये विषय अब मेरे लिए वर्जित नहीं है। भारत में कॉन्डम आदि के बारे में बात करने से लोग अजीब नजरों से देखते हैं कि ये क्या बोल रही है, पर आज मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं विश्वास के साथ किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, ये बातें कर सकती हूँ। जया महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करती है ताकि वे गांव के लोगों को परिवार नियोजित करने में मदद करके एक नई आशा की किरण ला सके। निर्णय लेने की स्वतंत्रता इन महिलाओं की उन्नति में सहायक होती है, जो गरीबी, काम के बोझ और निरंतर गर्भधारण के संभवतः अंतहीन चक्र में जन्म लेती है। लड़कियां अपने जन्म से ही एक कठिन जीवन जीती है। हड्डियां मजबूत होने के पहले से ही अधिकतर लड़कियां मजदूरी करना आरंभ कर देती है। शोध ने दिखाया है कि लड़कियों को फ्रैक्चर और असहनीय पीठ के दर्द की शिकायतें लड़कों से ज्यादा होती है। लड़कियां घर पर और खेतों पर काम करती है, उन्हें लड़कों से कम शिक्षा मिलती है। उत्तरी राज्यों में केवल 4 में से 1 लड़की पढ़ सकती है, जहां लड़कों में ये संख्या आधे से ज्यादा है। जहां गरीब औरतें सुबह से शाम तक जीवन यापन के लिए बाहर काम करती है, वहीं थोड़े भी संपन्न परिवार की औरतें पर्दे में रहकर एक अदृश्य अलगाव में जीती है। ये औरतें अकेली बाहर नहीं जा सकती, और जब वे बाहर जाती भी है तो घूंघट में। अन्य चीजों के अभाव में उनकी साड़ियां ही मुख्यतः उनका बहुमूल्य खजाना होती है। कुछ ही समय पहले तक औरतों पर ग्रामीण जीवन के असर पर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ था। एक सर्वेक्षण के अनुसार ये पता लगा है कि एक ग्रामीण महिला 200 सिगरेट के बराबर के प्रदूषण का शिकार होती है। स्त्री पुरुष में भेदभाव का अक्षरशः अर्थ है कि महिलाओं और लड़कियों को समान जानकारी और समाधानों की उपलब्धि का अभाव है। संपूर्ण भारतवर्ष में जननी जैसे कार्यक्रमों का उद्देश्य है गांव वालों को परिवार नियोजन की शिक्षा देकर उनके जीवन को सुधारना। जननी का जन अभियान प्रारंभ हुआ गांव के पुरुषों से। ये ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी यानी RMPs यद्यपि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर नहीं है, पर उन पर गांव के लोगों को भरोसा है। ये लोग बिहार में अस्पताल रहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। परंतु जल्दी ही जननी को आभास हुआ कि महिलाएं अपनी समस्याएं पुरुष कर्मियों को बताने में संकोच करती हैं। जननी का एक दबंग प्रयास था ग्रामीण महिलाओं को अपने पतियों के साथ काम करने के लिए आमंत्रित करना। ये महिलाएं अधिकांशतः ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों की पत्नियां थीं। दंपतियों को एक साथ बराबरी से काम करने का अवसर दे पाना इस कार्यक्रम को इतना बेमिसाल बनाता है। इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बिहार की राजधानी पटना में प्रशिक्षण लेकर जननी के लिए काम करना शुरू किया। अधिकतर महिलाएं जो अपने पति के साथ आती है, उन्होंने पहली बार घर और रसोई से बाहर कदम निकाला है। शहर आना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। अपने पति के साथ बाहर आकर उसने साहस का परिचय दिया है। पहले दिन वो चुप है और केवल सुन रही है। दूसरे दिन उसने सोचना शुरू किया है और सवाल पूछना भी। तीसरे दिन तक अधिकतर महिलाओं को आत्मविश्वास आ गया है कि हाँ, मैं वापस जाकर कुछ शुरू कर सकती हूँ, पर उनमें अभी भी संकोच है। पर अब उनकी आंखों में आशा और विश्वास की किरण है,
कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जननी द्वारा चुने गए स्वास्थ्य कर्मी जिस गांव में रहते हैं उसी गांव में कार्य करते हैं, पर अक्सर उनके पास आसपास के लोगों से अधिक सुविधाएं और संपन्नता होती है। वे इस कारण अपने समुदाय की मदद करने में सक्षम होते हैं। आरंभी दंपतियों के पास अपनी थोड़ी ज़मीन होती है और वे थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी सकते हैं। यद्यपि उनके घरों में बिजली पानी की सुविधा नहीं है, फिर भी वे छोटे मोटे क्लिनिक खोल पाने में सफल होते हैं। जननी ऐसे कार्यक्रम बिहार के अलावा अन्य राज्यों में भी शुरू कर रही है और अब तक 10,000 दंपतियों को प्रशिक्षित कर चुकी है। उनके गाँव को उनके इस योगदान की आवश्यकता है, पर पत्नी का इस तरह साथ साथ काम करना सदियों पुराने रूढ़ियों के विपरीत है और इसलिए ये एक विवादास्पद विषय बन जाता है। हम दोनों जो मिलजुल कर काम करते हैं, हम और हमारे पति, वो हमारे घर के लोग हैं या साइड के लोग हैं, पड़ोसी हैं। किसी को पसंद आता है कि बहुत अच्छा करती है ये, और वो भी अच्छे हैं, दोनों का हक बराबर है। और हमारे गांव के लोग ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि हम दोनों का हक बराबर है। वो चाहते हैं कि ये लड़की है, ये औरत है, ये हमारे पैर के नीचे दबे रहे। सरिता के साथ हम जो भी काम करते हैं उसके बारे में समाज की बाकी महिलाएं क्या सोचती है वह तो उसके अंदर की बात है। समाज की ढेर सारी महिलाएं हैं जो कि इन्हें सम्मान करती है, सोचती हैं कि हाँ कोई महिला है हमारे समाज में जो कि हमारे समस्याओं का हल कर सकती है। कोई एक महिला आई, उससे मैं पूछी और उसे फायदा हुआ, वो दूसरा महिला से बताई, फिर वो आई। कोई भी महिला आती है वो एबॉर्शन कराने के लिए कहे या बंध्याकरण कराने के लिए कहे या अप्सरा की गोली के बारे में जो कुछ भी पूछती हैं उसे मैं बताती हूँ। अगर वो पूछने में शर्माती है तो मैं उसे चुपके से और पर्दा के पीछे मैं उनसे पूछती हूँ। पवन और सरिता के संबंध आधुनिक है, पर उनका विवाह पीढ़ियों पुराने रीति रिवाजों से हुआ। उनकी पहली मुलाकात विवाह के दिन ही हुई। उससे पहले हमने जब एक देखा सुनी होता है, लड़कों को लड़का को लड़की वाले देखने आते हैं, लड़की को लड़का वाले देखने आते हैं, तो वहाँ से हमारे मामा जो भी आए हैं जिन्हें आप लोगों ने देखा, यही एक तस्वीर लाए थे हमारी पत्नी की, लाए यहाँ दिखलाए। तो हमें तो पहले शर्म महसूस हुआ देखने में, लेकिन उस दिन जो हमारे फ्रेंड आए हुए थे जो कि हमारे बेस्ट फ्रेंडों में से एक हैं, वही हमें ज़बरदस्ती तस्वीर दिखला दिए। तस्वीर देखने के बाद हमें भी अच्छा लगा। उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद हमने पहली बार अपने पति को देखा था फेस टू फेस। लाइक उससे पहले शादी के दिन हमने देखा लेकिन क्लियर रूप में नहीं देखा, घूंघट वगैरह क्या क्या सब था, इसलिए तो ठीक था, ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अपने शादी के बाद जब मैं अपने पति से 1 मई को जब पहले मिली, तो उस समय कुछ उम्र कम रहने के कारण मुझे तो कुछ उतना पता ही नहीं चलता कि, तो शर्म महसूस हुई और खुशी भी हुई। जहाँ तक पूछने का मतलब कि पति पत्नी दोनों के बीच की भागीदारी, पति पत्नी जैसा कहा गया है कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पहलू के बगैर दूसरा पहलू के बगैर पहला पहलू अधूरा है। तो उसके काम में मैं क्यों ना हाथ बटाऊँ और मेरे काम में वह क्यों ना हाथ बटाए। जिस तरह पवन सरिता को संबल देता है उसी तरह रेखा को भी अपने परिवार की सहायता मिली, जिसके बिना वह समाज में कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाती। महिलाओं की धीमी प्रगति का एक कारण ये भी है कि बहुओं के साथ ससुराल वाले बंधुआ मजदूर की तरह बर्ताव करते हैं। पर रेखा की सास राजकुमारी चाहती है कि रेखा घर के काम के साथ साथ समाज कल्याण जैसे सार्थक काम भी करे।
मैं अपने को भारतीय शास्त्र से बहुत अलग पाती हूँ, इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारी बहू जो है सो हमारे बेटा से थोड़ा भी कम नहीं है, और उसको हर क्षेत्र में जहाँ तक होगा हम उसको आगे बढ़ने के लिए मौका देंगे। पहले तो मैं गांव में रहती थी, गांव की हवा में, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मैं घर घर घूमकर काम की। इससे मुझे खुशी हुई कि मैं भी लोगों के काम आ सकती हूँ। हर सास अगर इतना अपना स्वार्थ छोड़ करके कुछ घर के काम में हाथ बटाएंगी तो बहुएं बाहर निकल करके समाज की सेवा भी कर सकती है। वह हमारे घर की माने रोशनी को आगे बढ़ाने वाली तो वही है, बेटी तो पढ़ाई बन गई। जब घर से बाहर काम करना एक विकल्प बनता है तब औरत ये निर्णय ले सकती है कि वह ऐसा करना चाहती है या नहीं। उनको भी पुरुषों की तरह अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़कर काम करने का। बाहर निकलने से पता चलता है कि दुनिया में लोग कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। घर में तो कचरा बन के रह जाती है महिला। दमयंती और उसके पति को आशा है कि उनकी बेटी किरण को उनके कार्यों से प्रेरणा मिले। किरण जो 17 साल की है अभी भी अपने माता पिता के साथ रहती है। उसके हम उम्र की अधिकतर लड़कियों का विवाह हो चुका है और वे अपना परिवार भी शुरू कर रही है। मेरी मम्मी पापा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि मैं भी करूँ। मैं पढ़ लिख कर जब बड़ा हो जाऊंगी तो मैं ये काम जरूर करूँगी। बहुत दिन से शौक है कि मैं डॉक्टर बनूं। पढ़ाई लिखाई का महत्व बोले हैं कि बेटी ज़्यादा पढ़ लोगी तो डॉक्टर बन जाओगी, ऐसे कम पढ़ोगी तो ससुराल में दिक्कत होगा, जल्द से शादी किया जाएगा। किरण देखती है कि जो लोग उसके माता पिता के पास आते हैं उन्हें गर्भ निरोधन के अलावा अन्य सलाह भी दिए जाते हैं। महिला कर्मी लोगों के भय को और संकोच को दूर करने की कोशिश करते हैं। बतलाया गया था जो मैंने, जैसे देहात में लोग नहीं चाहते हैं कपटी, चाहे कोई ऐसी चीज लगाने के लिए चाहे डराती है, इसलिए बोला कि खूब अपना प्रेम से अपना एकदम बढ़िया से समझाएंगे कि आप लगा लीजिए, आप बहुत अच्छा से अच्छा हो जाएगा, एकदम बच्चा भी कम होगा, ऐसे ठीक हो जाएगा। कोई आदमी दो ठो लड़की हो गया तो लड़के के पड़ा था, इसीलिए ताकते ताकते 10-12 फूट जाता है ना, हो वही। आप लोगों का खाना गरीबी दिखा रहे हैं, गरीबी दिखा रहे हैं, खाने के लिए आपको नहीं है, बदल गया है, बहुत बदला है, काम भी बदल गया, बात भी बदल गया, हर समाज भी बदल गया, बहुत अच्छा हो गया, वातावरण भी बदल गया, हर चीज बदल गया। भारत में परिवार नियोजन की सफलता के लिए स्त्री पुरुष दोनों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की आवश्यकता है। महिला कर्मियों को सिखाया जाता है कि वे किस तरह गांव वालों को रूढ़िवादी रीति रिवाजों का सामना करने में सहायता करें। अगर कोई अविवाहित स्त्री गर्भवती हो जाती है तो गांव में हर कोई उसे घृणा की नजरों से देखता है, पर तुम्हें उससे एक आम आदमी की तरह व्यवहार करना है, ये मानकर कि उसकी भी जरूरतें हैं। तुम्हें उससे कहना है कि ठीक है, तुम अब इस शारीरिक संबंध के कारण गर्भवती हो गई, पर अब तुम्हें ये निर्णय लेना है कि तुम इस बच्चे को पैदा करना चाहती हो या नहीं। अगर हाँ तो तुम्हें उसके पालन पोषण के बारे में भी सोचना होगा, और फिर अगर उस पुरुष के साथ तुम्हें नहीं रहना तो उसे मना करना सीखना होगा, और अगर तुम इस संबंध को जारी रखना चाहती हो तो गर्भ निरोधन के बारे में सोचना है। तो हम उन्हें बताते हैं कि तुम्हें लोगों के बारे में कोई भी पूर्व धारणा नहीं बनानी है। महिला कर्मी सलाह के लिए आने वाली महिलाओं में विश्वास बढ़ाती है और उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वे अपने फैसले खुद करें, फिर वे उन फैसलों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाती है। ये महिला 2 बच्चों की माँ है और सरिता के पास मदद के लिए आई है। सरिता और पवन उसे लेकर पटना स्थित जननी के क्लिनिक में जाएंगे जहां वह महिला वंध्याकरण करवाना चाहती है। मैं
पटना में सरिता और पवन क्लिनिक के संचालक से मिलते हैं। तब तक वह महिला अन्य कार्यकर्ताओं से भी सलाह लेती है। फिर पति पत्नी डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर को दोनों से मिलकर उन्हें गर्भ निरोधन के बारे में सलाह देने का भी अवसर मिलता है। विचार विमर्श के पश्चात इस औरत ने निर्णय लिया कि वह बंध्याकरण नहीं कराएगी, बल्कि वह ऐसे उपकरण का प्रयोग करेगी जिसे बाद में निकाला जा सके और चाहने पर वह फिर गर्भ धारण कर सके। जिस औरत ने अपने जीवन में न के बराबर व्यक्तिगत निर्णय लिए हो, उसके लिए अपने परिवार को नियोजित करने का निर्णय ले पाना एक सफल परिवर्तन की निशानी है। महिलाओं से बातचीत के दौरान जब उनसे परिवार नियोजन के बारे में पूछा जाता है, तो वो कहती है कि वे अपने पति या अपने ससुराल वालों से पूछेंगी। हम उनसे कहते हैं कि वह अपनी मर्जी बताए, क्योंकि बच्चे की देखभाल उसे करनी है, उसके ससुराल वालों को नहीं। क्या उसका शरीर मातृत्व के लिए तैयार है? क्या उसके पास समय है? कुछ क्षण सोचने के पश्चात वो कहती है नहीं, और तब हम उसे गर्भ निरोधकों की सलाह देते हैं। उसे इस बात का आभास कराया जाता है कि उसे अपनी देखभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि उसका सारा परिवार उसके ऊपर निर्भर है। जब एक महिला अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य के संबंधित निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है, तो उसके जीवन पर इन निर्णयों का गहरा प्रभाव पड़ता है। पिछले 5 वर्षों में जननी ने 50 लाख से अधिक महिलाओं को परिवार नियोजन के स्थायी तरीकों के विकल्पों का सुझाव दिया है। भविष्य में आखिर ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, बिहार की हो या भारत की हो या पूरे दुनिया की हो, उसका क्या असर पड़ेगा, इस पर ध्यान न दिया गया तो जिस तरह भी जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है, वह एक दिन ऐसी चरमरा जाएगी यहाँ की व्यवस्था जो कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे महिलाओं में ज्ञान, जागृति और आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे वे अपनी भावी पीढ़ियों को प्रभावित करती हैं। उनकी प्रगति उस आधार को जन्म देती है जिससे नई पीढ़ी की युवतियाँ अपने जीवन के परिवर्तन को स्वयं दिशा दे सके। मेरी एक बच्ची है, मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि वो हमसे कहीं ज़्यादा पढ़ लिख ले, वो मेरी जैसी नहीं रहे और पढ़ लिख करके वो कुछ हमसे ज़्यादा कुछ करे। बच्चे के बारे में किस माँ बाप को ये नहीं होगा कि वो आगे बढ़ के अच्छा बने। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो आगे चल के और डॉक्टर बने। हमारे यहाँ जो है शिक्षा के प्रति अभी भी बहुत लोगों का भावना जो है सो बहुत पीछे हैं, और ख़ास करके लड़कियों के विषय में। लड़का के तो लड़का को लोग पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन लड़की को नहीं। लड़की को पढ़ाना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लड़कियां पढ़ेंगी नहीं तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएंगी। शिक्षा के साथ साथ परिवार नियोजन महिलाओं को अपने जीवन को सुधारने की स्वतंत्रता देता है। इस तरह महिला की मदद कर भारत के भविष्य में एक नई आशा का संचार कर रही है। एक ग्रामीण महिला के लिए अपने अस्तित्व को सिद्ध करने और अपनी बात कहने के लिए अति व्यक्तिगत साहस की आवश्यकता होती है। वह सदियों की गुलामी के विरुद्ध खड़ी हो रही है। हम ये जो काम करते हैं इसमें जो लोगों को शक पैदा होता है, हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि दूसरे के दबाव में आकर और दूसरे की बात में पढ़ के अपने आप को हानि पहुंचाना और दूसरे के चक्कर में पढ़ के हम खुद को बर्बाद हो जाएंगे। पापा सराय खाई थी तो कभी चक्कर भी आया? कोई कुछ भी सोचे, मैं जो करती हूँ उसमें फ़ायदा है और ये जो सारे दुनिया के लोग देखेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा। We started off with a village. हमने इस गांव से शुरुआत की।
females becoming aware about themselves. महिलाओं को अपने बारे में जागृति दी कि उनके लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है. हम लोग एक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक भिन्न व्यवहार को आत्मसात कर रहे हैं और इसमें समय लगेगा. ये एक ऊंचे उद्देश्य की ओर पहला कदम है.